अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आए हुए हैं क्रॉसिंग रोड पे, जो बाज़ार लगता है इंपोर्टेड आइटम्स वगैरह, इंपोर्टेड हील्स और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर मिलती हैं। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे और प्राइस वगैरह भी बताएंगे। बहुत ही मुनासिब रेट पे यहाँ पे ये हील्स वगैरह आप देख रहे हैं मिलते हैं यहाँ पे। मैंने भी लिए, मैं भी अपनी दिखाऊंगी हील्स वगैरह। ये 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी और बहुत ही सही, यानी कि कंडीशन भी इसकी सही थी, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी और बहुत अच्छी। यानी कि अगर आप नहीं मिलेंगे तो ये 3,000-2,500 तक की आपको मिलती है और ये यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए और आप भी यहाँ से शॉपिंग वगैरह कीजिए। और ये सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट शूज़ वगैरह थे, ये बच्चों के लिए तो बेस्ट होते हैं क्योंकि बच्चे भागते भी हैं। और ये हमने रिजवान के लिए लिए थे, रिजवान चेक कर रहे हैं, इनको ये वाले शूज़ अच्छे लग रहे थे। ये भी 100 रुपीज़ के ही थे सारे, ये बच्चों के लिए। और ये इंपोर्टेड बैग वगैरह थे, ये 200 के सेल में लगे हुए थे सारे। तो ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, हैंग कैरी करें आप, हैंड बैग हैं, लेडीज़ बैग हैं, साइड बैग्स होते हैं, शॉर्ट बैग जो है पाउच वगैरह होते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। और सारे इंपोर्टेड थे, ये पाकिस्तानी बैग नहीं थे, सारे दूसरे ममालिक के बैग थे। और ये चलते भी काफ़ी टाइम है। और ये क्रॉकरी वगैरह हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी। ये प्लेट्स वगैरह के 300 की 6 प्लेटें थी ये। और ये दोबारा हम शूज़ की तरफ आ गए, स्कूल शूज़ भी यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में थे, बच्चों के रेगुलर यूज़ होते हैं ये वाले शूज़ वगैरह बच्चों के, तो ये आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ही आ गए हैं टी ट्रॉली, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुनासिब रेट में यहाँ पर लगी हुई थी। ये 2,000 बताए थे इन्होंने, तो आराम से 1,500-2,000 रुपये तक की दे थी। ये टोटल कांच की थी। और यहाँ पर भी ये शूज़ वगैरह, ये वाली हील तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी और ये वाली भी बहुत ही अच्छी। यहाँ पे इस शॉप पे तो बहुत ही ज़बरदस्त हील वगैरह थी, ये वाली भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने ट्राई भी करी थी लेकिन रिजवान को ये अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी थी, 100 रुपीज़ के आराम से वो दे रहे थे। ये भी मैंने ट्राई करी थी, आप देख सकते हैं ये वाली भी 100 रुपीज़ की थी टोटल सारी हील्स। और ये शूज़ तो बेस्ट थे, ये तो मैंने फ़ौरन परचेज़ कर लिया 100 रुपीज़ के, बहुत ही अच्छे थे और सॉफ्ट बॉड थे और इसका बिल्कुल भी वज़न नहीं था। और ये वाली हील भी 100 रुपीज़ की थी, ये भी मैंने ले ली, बहुत ही अच्छी लग रही थी, ये बहुत ही मुनासिब रेट में ये दे रहे थे और ये सॉफ्ट ही थी, यानी कि रेगुलर यूज़। तो मैंने फ़ाइनली ये शूज़ और हील्स मैंने ले ली हैं, परचेज़ कर ली हैं इनसे। आप इनकी शॉप पे आ सकते हैं, आप इनको देख लें, 100 रुपीज़ में इन्होंने सेल लगाई हुई। और ये आ गए हैं बच्चों के फेवरेट आइटम की तरफ, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो टॉयज़ वगैरह तो लाजमी फिर हमने लेने थे। हम लोग शब जैनब हमारे साथ भी, और ये 50 रुपीज़ में इन्होंने इतने रीज़नेबल प्राइस में कुछ टॉयज़ में जो अच्छे थे, यानी कि जो मशीन वाले थे, वो 100 रुपीज़ के थे। और ये आ गए हम जेंट शूज़ की तरफ, ये नए थे लेकिन ये फिर भी आप बाटा वगैरह से लेंगे तो आपको 2,000-3,000 से कम के नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नए शूज़ थे। तो ये कुछ 600 के थे, कुछ 800 के थे। और ये आ गए हम वापस से बैग वाले की तरफ, बैग की शॉप की तरफ। यहाँ पर भी बैग वगैरह सारे इंपोर्टेड बैग लगे हुए थे, 250 के थे कुछ बैग, कुछ 200 के थे। स्कूल बैग भी थे, स्कूल बैग थोड़े कम थे इनके पास, लेकिन लेडीज़ बैग बहुत ही अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बैग वगैरह इनके पास थे और बिल्कुल मुनासिब रेट में थे। तो आप लोग यहाँ पर आइए, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप हमारे चैनल, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं। और ये बैग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये 250 का था और इसके अंदर यानी कि जगह भी काफ़ी सारी थी, जैसे जिनके बच्चे वगैरह हैं वही वाले बैग ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे, यानी कि बिल्कुल सोबर से थे, और स्कूल बैग, कॉलेज बैग वगैरह की जगह भी आप गर्ल्स वगैरह वाले बैग ले सकती हैं जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं। और ये था, ये साइड बैग था लेडीज़ का, ये भी हमें 150 का ही दे रहे थे, बहुत ही मुनासिब रेट में थे ये वाले। और ये हैंड पाउच था, ये
ये दे रहे थे 200 का, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेड था और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंसी अच्छा लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, ये लोग भी शॉपिंग वगैरह यहाँ पे कर रहे थे। तो जिसको भी शॉपिंग करनी है वो लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के आइटम भी काफ़ी सारे थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये आ गए सॉफ्ट और बिल्कुल इतनी हल्की, यानी कि ये बिल्कुल, इनका बिल्कुल वेट नहीं होता है, तो ये बच्चों के लिए तो बेस्ट हैं। मैंने इस शॉप पे भी बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि ग्लास वगैरह थे, सारे इम्पोर्टेंट थे बाहर के, ये भी 50 रुपीज़ में दे रहे थे हमें। मैं तो ज़रूर लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, यूनिक से फैंसी ग्लासेस होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।